टुडे वी विल स्टडी कार्डियक साइकिल. व्हाट इज हार्ट रेट? हार्ट रेट मीन्स 75 बीट टाइम्स हार्ट जब बीट करता है एक मिनट के अंदर उसे हम हार्ट रेट कहते हैं. एक बीट हार्ट की बनाती है एक कार्डियक साइकिल. ओके, अब इस बीट के अंदर सीक्वेंस ऑफ मैकेनिकल और प्रेशर चेंजेस आते हैं हार्ट के अंदर. उन सीक्वेंस को एक बीट के अंदर जो सारे सीक्वेंस ऑफ मैकेनिकल प्रेशर चेंजेस आ रहे हैं उन सब को कंसीडर किया जाता है एज कार्डियक साइकिल. ओके, अब ये किस तरह के चेंजेस होते हैं, किस तरह के इवेंट्स होते हैं हार्ट के अंदर? ये होते हैं मैकेनिकल एंड प्रेशर चेंजेस. और कहाँ कहाँ पर होते हैं? हार्ट के चैम्बर्स के अंदर होते हैं ये चेंजेस, वॉल्स में चेंजेस आते हैं और ग्रेट वेसल्स ऑफ हार्ट के अंदर ये सारे चेंजेस आते हैं जो कि कार्डियक साइकिल के अंदर होते हैं. अगर हमारी हार्ट रेट 75 पर मिनट है जो कि एक नॉर्मल हार्ट रेट होती है तो कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन होता है 0.8 सेकेंड. इस 0.8 सेकेंड में सिस्टोल भी होता है और डायस्टोल भी होता है. डायस्टोलिक चेंजेस भी होते हैं और सिस्टोलिक चेंजेस भी होते हैं. एट्रियम में भी होते हैं और वेंट्रिकल में भी होते हैं. एट्रियल सिस्टोल की बात करें तो ये कवर करता है 0.1 सेकेंड. एट्रियल डायस्टोल की बात करें तो ये कवर करता है 0.7 सेकेंड. 0.1 सेकेंड प्लस 0.7 सेकेंड टोटल इज 0.8 सेकेंड. दैट 0.8 सेकेंड इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल. तो एक कार्डियक साइकिल के अंदर वन एट्रियल सिस्टोल होगा और वन एट्रियल डायस्टोल होगा. सिमिलरली वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी एक कार्डियक साइकिल के अंदर होता है. ठीक है, अब ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज 0.3 सेकेंड. वेंट्रिकुलर डायस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.5 सेकेंड एंड टोटल इज 0.8 सेकेंड. दैट इज द ड्यूरेशन ऑफ वन कार्डियक साइकिल. अब एक कार्डियक साइकिल में एट्रियल सिस्टोल और डायस्टोल भी हो रहा है, साथ में वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल भी हो रहा है. इट मीन्स जो एट्रियल चेंजेस हो रहे हैं और वेंट्रिकुलर चेंजेस हो रहे हैं ये दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं ड्यूरिंग द वन कार्डियक साइकिल. ये एक कार्डियक साइकिल का पिक्चर बनाया गया है. इसके अंदर देखिए, इस सर्कल के अंदर आउटर सर्कल इज रिप्रेजेंटिंग वेंट्रिकुलर चेंजेस, दैट मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वाइल द इनर सर्कल इज शोइंग एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल, दैट मीन्स एट्रियल चेंजेस. ठीक है, दोनों वन कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन जो होता है 0.8 सेकेंड वो कवर कर रहे हैं. हर सेक्शन 0.1 सेकेंड का है. यहाँ पर यू कैन सी हियर, अभी इसके अंदर हमने देखा एट्रियल सिस्टोल जो है वो 0.1 सेकेंड का है और रिमेनिंग 0.7 सेकेंड कवर कर रहा है एट्रियल डायस्टोल. वेंट्रिकल्स पे जाते हैं, जैसे ही एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट होता है तो वेंट्रिकल का सिस्टोल शुरू हो जाता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो जाता है. जैसे ही एट्रियल सिस्टोल कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ, वहाँ से हमें क्या शुरू करना है, वहाँ से हमें स्टार्ट करना है वेंट्रिकुलर सिस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल कवर करेगा 0.3 सेकेंड, दैट मीन्स तीन पार्ट्स बनाए हैं, ये तीन पार्ट्स को ये कवर करेगा. ओके, रिमेनिंग पोर्शन जो है वो कवर करेगा वेंट्रिकुलर डायस्टोल. वेंट्रिकुलर डायस्टोल होता है 0.5 सेकेंड. तो फाइव सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 फाइव सेक्शन कवर कर रहा है वेंट्रिकुलर डायस्टोल जो कि है 0.5 सेकेंड का. वेंट्रिकुलर सिस्टोल है 0.3 सेकेंड का. ठीक है, टोटल हो गया 0.8 सेकेंड. तो ये साइमल्टेनियसली साइकिल चलती है. ये एक पूरा फ्लो बना रखा है मैंने जो कि आपको डिफरेंट इवेंट्स जो कार्डियक साइकिल के अंदर 0.8 सेकेंड के अंदर होते हैं वो आपको इसके अंदर रिप्रेजेंट किए हैं. ओके, फर्स्ट है एट्रियल सिस्टोल. ओके, एंड देन एट्रियल डायस्टोल. दिस इज एट्रियल सिस्टोल एंड दिस इज एट्रियल डायस्टोल. वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसकी इसको सब डिवाइड किया है, फिर से डिवाइड किया है आइसोमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. इसके अंदर और भी क्या क्या इवेंट होते हैं उन इवेंट को अकॉर्डिंग टू चेंजेस फर्दर डिवाइड किया है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन. सेकेंड इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर. वेंट्रिकुलर सिस्टोल को फर्दर डिवाइड करा है रैपिड इजेक्शन एंड स्लो इजेक्शन के अंदर. ठीक है, ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो गया. वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी, वेंट्रिकुलर डायस्टोल को भी फिर से डिवाइड करा है तीन सब डिविजन में. पहला है प्रोटो डायस्टोल,
सेकेंड है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन एंड थर्ड इज डायस्टोल प्रॉपर। डायस्टोल प्रॉपर को फर्दर डिवाइड करा है तीन फेज टू फेजेस के अंदर, ओके वही रैपिड फिलिंग एंड स्लो फिलिंग के अंदर, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल एंड एट्रियल डायस्टोल ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, दे आर सिंपल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल और वेंट्रिकुलर डायस्टोल के सब डिविजन है जो आपको याद रखने हैं। अब हम एक वन बाय वन इनके अंदर क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कैसे प्रेशर चेंजेस आते हैं, वो सब स्टडी करेंगे। फर्स्ट इज एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल का ड्यूरेशन होता है 0.1 सेकंड। ओके, एट्रियल सिस्टोल आने से पहले, हाँ, एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन आने से पहले वेंट्रिकल की 80% फिलिंग पहले ही हो चुकी होती है, ठीक है। रिमेनिंग 20% ब्लड जो एट्रियम के अंदर रह गया है वो वेंट्रिकल में कैसे पहुंचता है, थ्रू द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो जैसे ही एस नोड से इम्पल्सेस आती हैं, दोनों एट्रियम में पहुंचती हैं, राइट साइड लेफ्ट साइड दोनों का मैंने यहाँ पर वन साइड को शो कर रखा है, बट जब भी मैं ये चेंजेस डिस्कस कर रही हूँ, दिस सिमिलर चेंजेस इज हैपनिंग ऑन द अदर साइड ऑल्सो। ओके, यहाँ पर वन साइड ही हमने रिप्रेजेंट किया है। तो पहले ही 80% फिलिंग हो चुकी है वेंट्रिकल की, रिमेनिंग 20% जो ब्लड रह जाता है एस नोड से इम्पल्सेस दोनों एट्रियम में पहुँचती हैं और एट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, 20% ब्लड जो है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू वेंट्रिकल में पहुंच जाता है। तो ये था एट्रियल सिस्टोल। सो एट्रियल सिस्टोल के बाद नेक्स्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट जो स्टार्ट होता है वो होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एट्रियम से सारा ब्लड जो है वेंट्रिकल में चला गया है, तो अब वेंट्रिकल के अंदर चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ एट्रियम के अंदर क्या होगा, साइमल्टेनियसली एट्रियम के अंदर डायस्टोल स्टार्ट हो जाता है। डायस्टोल मीन्स यहाँ पे अब रिलैक्सेशन शुरू हो जाएगा और इसकी फिलिंग होना शुरू हो जाती है। अभी आप इसको छोड़ दीजिए, अभी हमें क्या करना, हमें वेंट्रिकल में आना, वेंट्रिकल्स के अंदर क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हम नेक्स्ट हम आएंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल पे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में फर्स्ट फेज होती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अब इसके अंदर क्या होता है वो हम देखेंगे। ब्लड सारा का सारा वेंट्रिकल्स में आ गया है। ये जो वॉल्व है ये है एवी वॉल्व। ये एवी वॉल्व क्योंकि ब्लड अंदर पहुंच चुका है तो एवी वॉल्व क्लोज हो जाते हैं। एवी वॉल्व के क्लोज होने से प्रोड्यूस होती है फर्स्ट हार्ट साउंड, ठीक है। तो फर्स्ट हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस हो रही है, ड्यूरिंग द आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। SLV पहले से ही क्लोज्ड है, सेमिलूनर वॉल्व क्लोज है और एवी वॉल्व क्लोज हो चुके हैं। ब्लड यहाँ अंदर है और वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्शन करना स्टार्ट कर दिया है धीरे धीरे वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि वेंट्रिकल के अंदर ब्लड है वो तो उतना ही अमाउंट है और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। तो इसके अंदर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है तो इस के अंदर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। ये जो फेज़ है ये कहलाती है आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इसके अंदर वॉल्यूम सेम है ब्लड का और कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है। दोनों वॉल्व क्लोज हैं और इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गया है, इसलिए इसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन फेज बोलते हैं, जो कि फर्स्ट फेज है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। सेकेंड फेज जो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल की वो है वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। यस, द नेक्स्ट फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। हमने जैसे कि डिस्कस करा था यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है और यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। वेंट्रिकल्स के अंदर प्रेशर इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, जबकि जो ग्रेट वेसल्स हैं उनके अंदर प्रेशर अभी कितना है, 80 mm of Hg। जैसे ही वेंट्रिकल का प्रेशर 80 mm of Hg से ज़्यादा हो जाता है, वैसे ही क्या होता है, वैसे ही सेमिलूनर वॉल्व ओपन हो जाते हैं और सेमिलूनर वॉल्व ओपन होता है और जैसे ही ओपन होंगे वैसे ही रैपिडली ब्लड क्या होगा, ग्रेट वेसल्स के अंदर रश करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ी सी बल्जिंग हो जाती है ब्लड वेसल्स में। इतना रैपिडली अमाउंट गुड अमाउंट ऑफ ब्लड जब इनके अंदर आ रहा है तो उसको अकोमोडेट करने के लिए थोड़ा सा बल्जिंग हो जाती है और इसे बोलते हैं हम रैपिड इजेक्शन फेज। वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर की होती है ये रैपिड इजेक्शन। जैसे ही रैपिड इजेक्शन ब्लड वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स में चला जाता है, आफ्टर सम टाइम जो रैपिड इजेक्शन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, इसे हम बोलते हैं स्लो इजेक्शन फेज। तो ये जो फेज़ है ये टोटल ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल की सेकेंड फेज होती है
फर्स्ट फेज थे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड फेज इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रॉपर। अब हम आएंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल पे। वेंट्रिकुलर डायस्टोल की फर्स्ट फेज होती है प्रोटोडायस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में हमने देखा ये वेंट्रिकल से सारा ब्लड इजेक्ट होकर एओर्टा में चला गया है। एओर्टा का प्रेशर इतना ज़्यादा ब्लड को एकोमोडेट करने की वजह से बढ़ गया है, ये हो गया अराउंड 120 mm of Hg, जो कि पहले था 80 mm of Hg, उससे बढ़ के ये कितना हो गया 120 mm of Hg। SLV अभी ओपन है, AV वॉल्व्स क्लोज हो चुके हैं और वेंट्रिकल ने रिलैक्स होने स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो क्या होता है, इसका प्रेशर वेंट्रिकुलर प्रेशर कम होने लगता है, और यहाँ कम प्रेशर है यहाँ हाई प्रेशर है, तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्लड जो है वो रिटर्न करता है, बैक फ्लो करता है टूवर्ड द वेंट्रिकल। जैसे ही ये बैक फ्लो करेगा तो सेमिलूनर वॉल्व जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं। ये सारे चेंजेस प्रोटोडायस्टोल के अंदर आते हैं। जैसे ही सेमिलूनर वॉल्व क्लोज होते हैं तो हमें सुनाई देती है सेकेंड हार्ट साउंड। अभी शुरू हो जाता है, जैसे ही सेमिलूनर वॉल्व क्लोज हो गए, AV वॉल्व ऑलरेडी क्लोज्ड हैं और वेंट्रिकल्स ने रिलैक्स होना स्टार्ट कर दिया है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। दोनों तरफ के वॉल्व क्लोज हैं और वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो है वो सेम है और वेंट्रिकल ने रिलैक्स होना स्टार्ट कर दिया है, इसे हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन पीरियड बोलते हैं वेंट्रिकल का। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन का पीरियड पढ़ा था, जिसके अंदर सिस्टोल के अंदर पढ़ा था, और हमने इसमें पढ़ा था दोनों वॉल्व क्लोज हैं, अमाउंट ऑफ ब्लड उतना ही है, सेम है, और वेंट्रिकल ने यहाँ कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कर दिया था, इसलिए हम इसे आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन बोल रहे थे, और ये है आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। अब है डायस्टोल प्रॉपर। डायस्टोल प्रॉपर वेंट्रिकल के अंदर डायस्टोल प्रॉपर चलेगा। अभी इसके अंदर क्या होता है, इस पूरे सीक्वेंस के दौरान जब वेंट्रिकल के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं तो एट्रियम में क्या होता है, फिलिंग हो रही होती है। अब ये फिलिंग एट्रियम का प्रेशर इतना बढ़ा देती है कि एट्रियम के अंदर जब प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, वेंट्रिकल से प्रेशर ज़्यादा एट्रियम का हो जाता है, तभी क्या होता है कि जो AV वॉल्व्स हैं वो ओपन अप हो जाते हैं और रैपिडली रश होता है ब्लड का इन द वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल की फिलिंग होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये डायस्टोल प्रॉपर की फर्स्ट फेज होगी रैपिड फिलिंग। जब डायस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहे हैं, यहाँ का प्रेशर कम है और ऊपर एट्रियम का प्रेशर ज़्यादा हो गया है, तभी AV वॉल्व ओपन हो जाते हैं, और ओपन होते से ही इसमें रैपिड रश ऑफ ब्लड होता है इन द वेंट्रिकल, विच कॉजेज रैपिड फिलिंग फेज ऑफ द डायस्टोल प्रॉपर। आफ्टर रैपिड फिलिंग फेज क्या होता है, जो एट्रियम है वहाँ से डायरेक्टली वेन से ब्लड जो आ रहा है, कलेक्ट कर रही है एट्रियम ब्लड को, वो सीधे डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, इन द वेंट्रिकल्स। ये एक तरह से इस समय एट्रियम सिर्फ एक पैसेज की तरह काम कर रहे हैं, जो कि ब्लड आ रहा है और डायरेक्टली वो पास ऑन हो रहा है इन द वेंट्रिकल्स। ये स्लो होता है, ये वाला जो प्रोसेस है वो स्लो होता है, इसलिए इसे डायस्टेसिस भी बोलते हैं या फिर स्लो फिलिंग भी बोलते हैं। तो डायस्टोल प्रॉपर के अंदर हमने देखा कि SLV वॉल्व ओपन होते हैं, रैपिड फिलिंग होती है, उसके बाद एक स्लो फिलिंग होती है। ठीक है, अभी हमने देखा था कि एट्रियल सिस्टोल हुआ, एट्रियल सिस्टोल में 20% ऑफ ब्लड जो रह गया था एट्रियम के अंदर, वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया है, वेंट्रिकल के अंदर आ गया। फिर वेंट्रिकल के अंदर इवेंट्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब वेंट्रिकुलर इवेंट चल रहे होते हैं उसी दौरान क्या होता है, उसी दौरान यहाँ पर एट्रियल डायस्टोल चल रहा होता है। ठीक है, वेंट्रिकल्स के अंदर जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं उस समय एट्रियम के अंदर क्या होता है, पूरे समय एट्रियम की फिलिंग होती है। इसका ड्यूरेशन होता है 0.7 सेकेंड, एट्रियम फिल हो रहा होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसका प्रेशर इंक्रीज हो रहा होता है, और उसके बाद जैसे ही SLV वॉल्व रैपिड फिलिंग ओपन हो जाते हैं और रैपिड फिलिंग होती है, उसके बाद फिर होती है स्लो फिलिंग। 80% ऑफ ब्लड जो है रैपिड फिलिंग और स्लो फिलिंग के अंदर वेंट्रिकल्स में आ जाता है, रिमेनिंग 20% जो ब्लड होता है वापस से हम कहाँ जाएंगे, हम फिर से वही साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है, और फिर से क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल आ जाता है और रिमेनिंग 20% ऑफ ब्लड एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन के बाद वेंट्रिकल्स में पहुँच जाता है।
तो ये इस तरह से पूरी इवेंट्स कार्डिक साइकिल जो कि 0.8 सेकंड की होती है उसके अंदर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं ड्यूरिंग वन कार्डिक साइकिल। होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आता है तो लाइक एक लाइक का बटन दबा दीजिए एंड ऑफ कोर्स ये सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।